बिस्मिल्लाहिर्रोहमानिर्रोहीम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी क्या है, इसे कैसे बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, बिजनेसमैन या कोई भी प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करने की बजाय डिग्रेड करते हैं कि आपके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकें या कामयाब हो सकें। लेकिन आप क्या करते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते, यू नेवर गिव अप, आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने गोल को पा लेते हैं। यही कॉन्फिडेंस है कि आपने अपने ऊपर भरोसा रखा और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते रहे और यही सोच रखी, आई कैन डू इट, यानी मैं कर सकता हूँ। बेसिकली दो काम ऐसे होते हैं कि जो इंसान की खुद एतमादी कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। पहला ये कि जो बंदा सोचे कि लोग उसे पसंद नहीं करते तो वो अपने आप को ना पसंद करने लगता है और इसी सिचुएशन में वो बंदा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और दूसरा वो के जो अपने एग्जाम में फेल हो जाए या फिर दुनिया के किसी काम में नाकाम हो जाए तो ऐसा फर्द भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। अपने अंदर खुद एतमादी कैसे लाएं? सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतने कॉन्फिडेंटली आप बात कर सकेंगे। और दूसरा, आप हमेशा सच बोलिए, क्योंकि सच बोलना इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। और तीसरी बात, अपने आप को डिस्कवर कीजिए, यानी अपने आप को जानिए। जितना आप अपनी शख्सियत को जानेंगे उतना ज्यादा आप खुद एतमाद बनेंगे। और सबसे बेहतरीन तरीका खुद एतमादी हासिल करने का वो है अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखना कि अल्लाह पाक की जात ही है जो मुझे कामयाब करने वाली है और मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ और सलाहियतें पैदा फरमाने वाली है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखरत में कामयाबी नसीब फरमाए।